मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया और 11 दोषियों की रिहाई को निरस्त कर दिया है। वहीं 11 जो दोषी हैं उन्हें गुजरात सरकार जो है रिहा कर दी थी कुछ दिन पहले। उस वक्त इन आरोपियों को संस्कारी भी बताया जा रहा था, मगर अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 दोषियों को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जहां से ये 11 दोषी दोबारा जेल भेजे जाएंगे। बिल्किस बानो रेप केस को लेकर MIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है आपको सुना दें। सर, आज बिल्किस बानो के आरोप से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बयान आया है, उन्होंने पिटीशन को गलत बताया है और जहां पे ट्रायल हुआ है उसी सरकार को जो है देने का हक है, तो इस पूरे मामले को आप कैसे लेते हैं? आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी, इंसाफ के लिए, अपनी इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था, तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज़ ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये अख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस को छोड़ दिया जाए। रेपिस जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, और अगर कोई रेपिस ये समझ रहेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूँ तो मुझे सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात यह है कि इस तमाम चीज़ों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वज़ीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे हैं कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, और इन्होंने यहाँ पर बिल्किस बानो के रेपिस को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। बताइए बुलडोज़र कहाँ चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहाँ चली गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस को छोड़कर बीजेपी
आज रेपिस के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिलकिस बानो से माफ़ी चाहे, बिलकिस बानो से माफ़ी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिलकिस बानो से माफ़ी मांगे, उनको अपोलोजाइज करें। यस यस, बिकॉज इट इज द बीजेपी। दिस इंसिडेंट हैपेंड व्हेन मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड द एनवायरमेंट वाज सो कम्युनली पॉइजनस दैट दिस होल ट्रायल फॉर बिलकिस बानो टू गेट जस्टिस, द ट्रायल वाज शिफ्टेड टू महाराष्ट्र। एंड what we know is that now after today's supreme court order, when the supreme honorable supreme court said that the state of gujarat acted in complicity with the convicts, the environment was very bad in gujarat at that time. And please see that it was the two bjp mlas who endorsed the release of this rapist, and one of the bjp mla called this rapist as sanskari. Now today the honorable supreme court had held that the government of gujarat deliberately helped this rapist to get free, and it did not have the power to do so. I welcome this judgment, and I hope it acts as a precedent against all the rapists in the future. The rapists should understand that just because they affirm a political ideology which is enemic to the Constitution of India, they will not be set free. And the last important point is that the Union Home Ministry approved the remission and the premature release of these convicts through a letter dated July 11, 2022. It is very clear that when Sri Narendra Modi talks about Nari Shakti, it's just a hollow claim. It has no relevance on the ground, because it is they who are now standing with this with the rapist of Bilkis Bano. So the BJP government in the state of Gujarat and the BJP government in the center, both have helped in releasing these rapists of Bilkis Bano, the killers of her mother and her other four women. That is why I demand that the BJP government in Gujarat and the BJP government in center, headed by Shri Narendra Modi, our Prime Minister, they should speak up and apologize to Bilkis Bano. This is the minimum that can be done by the BJP. Sir, abhi kya unko jo bhi rapist hai unko phir se pakda jaye turant, aur Bilkis ko rehabilitation pe kya kya kadam uthane chahiye? Dekhiye, abhi to Supreme Court ne keh diya ki unka remission galat hai, to unko wapis jail jana padega abhi. Ye hai Bilkis Bano ko insaaf nahi mila tha, isliye Gujarat se Maharashtra gayi, Maharashtra mein inko saza hui, और फिर गुजरात की सरकार ने इनको रिमिशन दिया। तो मिनिमम कर्टसी ये डिमांड करती है कि बीजेपी की सरकार गुजरात की और हमारे वतन अजीज़ की जो सरकार, जिसके वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी है, वो बिलकिस बानो से माफ़ी मांगे। गुजरात गवर्नमेंट हैड यूज़र्ड द पावर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाय डिसाइडिंग द रिमिशन प्ली ऑफ कॉन्विक्ट्स इन द बिलकिस बानो केस, एज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड रिमिशन, बट द फैक्ट दैट गुजरात गवर्नमेंट डिड द रिमिशन इंस्टेड ऑफ महाराष्ट्र, डू यू थिंक इट्स फॉर द इलेक्शंस? वेल यू सी, नाउ लेट अस नॉट गो इनटू द कंप्लीट डिटेल्स। यू नो आई हैव आल्सो रेड इट ऑन लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच व्हाट यू हैव जस्ट सेड, but the gist of the whole thing is what I have just told you. Okay, chaliye, shukriya.